इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। जिला लखीमपुर खीरी के क्षेत्र पलिया कला खीरी में एड माउंटेन के पीछे मिला युवक का शव, कारण बढ़ता मेडिकल नशे का कारोबार। पलिया कले में बढ़ते मेडिकल नशे के कारोबार ने ली एक नव युवक की जान। पलिया कला खीरी में लगातार अमानक तरीके से खुल रहे मेडिकल स्टोर, सूत्रों की माने तो मोटी रकम देकर बनते हैं मेडिकल लाइसेंस। 90% मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध नहीं है फार्मेटिस्ट, बिना डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन के धड़ल्ले से बेची जा रही है दवाइयाँ। परिजन का कहना है कि जब देर रात उनका बेटा घर नहीं पहुंचा, उन्होंने पलिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पलिया पुलिस ने फोन की लोकेशन ट्रैक करते हुए चेक किया तो पता लगा मनिंदर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह का शव बी माउंटेन हेड स्कूल के लगभग 500 मीटर दूर पीछे पड़ा हुआ था। मृतक के डेड बॉडी के पास 3 सीरिंज और एविल इंजेक्शन का मिला वायल। जब हमने शव के आस पास देखा तो सैकड़ों की संख्या में मिली नशीली दवाइयों की खाली शीशी और सीरिंज। मृतक मनिंदर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह इमली फार्म का निवासी था, अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था जिसकी बहन विदेश में है। मौके पर पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंची और डेड बॉडी को लिया हिरासत में। परिजन ने नशे और नशे के कारोबारियों के खिलाफ खासा रोष व्यक्त किया। परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगना चाहिए और जो मेरे बेटे के साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। मेरा नाम जसवंत सिंह। तो ये आपका जो बेटा एक्सपायर हुआ, कौन है आपका बेटा? नाती। क्या समस्या है, कैसे हुआ? जी, नशे मेडिकल पर सरेआम बिक रहा है। जितने मेडिकल हैं पलिया में, इनकी चेकिंग होनी चाहिए और ये नशे मुक्त होने चाहिए। इससे कई नौजवान लोगों की मौत हो रही है और बहुत बुरा हाल है पलिया के मेडिकलों। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहते कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। मेडिकल पर सूखा नशा बेच रहे हैं और लड़के ले लेके नौजवान बिगड़ रहे हैं, उनके सब खा पी रहे हैं और मरे जा रहे हैं नौजवान लड़के। बस मैं इतना कहता हूं। शेप आइकॉन की जगह वो हसी के आकार की हो जाती है, जिससे बहुत ही जो है और कैलोरीज हैं उनमें वो फंस जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन आगे का रुक जाता है, तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स इनमें आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो हम लोग हैं थारू बहुल जो क्षेत्र है उसमें इस बीमारी पे हम लोग काबू करने में बहुत जल्दी ही अच्छी सफलता। इसमें हम लोग यही करेंगे कि जो हमारे थारू प्रजाति के लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, उनको हम लोग उनका सिकल सेल स्टेटस उसको टेस्ट करेंगे और उनको कार्ड्स देंगे, जो सैंपल कार्ड अभी वितरित किए गए हैं। तो उससे एक व्यक्ति जब शादी करेगा एक लड़का किसी लड़की से, तो उनके कार्ड्स को मैच करके उनके घर वाले ये पता कर सकते हैं कि अगर ये गठबंधन होगा
तो इसमें कितनी संभावना होगी बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होने की? जो है ये अनुवांशिक बीमारी है जो आमतौर पर जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हैं, उस दृष्टि से उन्होंने इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज मध्य प्रदेश के शहडोल से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे 7 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। लखीमपुर जनपद में 8 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर हमने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। 6 करियर ब्लॉक पे हैं, 2 निराशन ब्लॉक पे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है क्योंकि ये अनुवांशिक बीमारी है और इसका एक ये होता है कि अगर माता पिता दोनों हैं ये इससे ग्रसित है इस बीमारी से तो उसका वो कैरियर बन सकता है या उससे जो बच्चा होगा वो बीमार है। ऐसी दृष्टि में दो तीन चीज़ों से जागरूक करने के लिए जैसे अभी आपके सामने सीएमओ साहब के साथ हम लोगों ने जो कार्ड दिए हैं उसमें ये कहा गया है कि जब शादी करें तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। अगर एक बीमार है और एक कैरियर है तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, लेकिन अगर एक कैरियर है एक को कोई बीमारी नहीं है तो फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस दृष्टि से लोग जागरूक हों और इस बीमारी में जो अनुवांशिक है जानकारी होती है तो शादी करने से पहले अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में लोग इससे बीमार नहीं होंगे। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम आज बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री जी के सहयोग में ठीक है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।